तो नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका क्लास में ट्यूशन्स में। आज हम लोग एक विशेष और बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एंड द टॉपिक इज करंट डिवाइडर रूल एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट करंट डिवाइडर रूल एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मार्ट रूल है, नेटवर्क एनालिसिस में, फास्ट कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझना बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम करंट डिवाइडर रूल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी हैव पेन। सो इट इज करंट डिवाइडर रूल। चलिए चलिए, तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि सीरीज सर्किट में करंट कॉमन होती है या करंट आप कह सकते हैं सेम होती है। मींस अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आपके सीरीज में लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट्स R1 और R2 हैं, ये R1 है, ये R2 है, सेकेंड रेजिस्टेंस है, तो अगर यहाँ पे कोई करंट 3 एम्पीयर की जा रही है पहले एलिमेंट में, तो शायद यही 3 एम्पीयर करंट सेकेंड एलिमेंट में भी होगी। कहने का सेंस ये हुआ कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है। तो ये करंट डिवाइड कहाँ होगी फिर? और इट इज वेरी नेचुरल, दैट इज इन पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट में करंट कॉमन होती है, इसलिए जो करंट डिवाइडर रूल अप्लाई किया जाएगा वो हम लोग पैरेलल सर्किट्स में अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये छोटी सी बात, हमें तो केवल रिजल्ट्स ही याद करने हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स कैसे आया है, कहाँ से आया है, ये भी जरिए करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक नेटवर्क, छोटे से नेटवर्क से, वहीं से हम सीख लेंगे। सपोज हमें हमारे पास ये कोई करंट सोर्स है, लेट दिस बी ऑफ आई एम्पियर का कोई करंट सोर्स है, और इस करंट सोर्स के पैरेलल में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, सपोज दे आर R1 एंड R2। लेट दिस बी R1 एंड दिस बी R2। क्लियर है? अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको और ध्यान देनी पड़ेगी कि ये जो करंट सोर्स है, ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है, दिस इज आइडियल करंट सोर्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये करंट डिवाइडर रूल में करंट सोर्स जो होगा वो आइडियल होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल में जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था वो भी आइडियल होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आइडियल करंट सोर्स के साथ ही हम ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो मान लेते हैं कि इस वाले एलिमेंट में I1 करंट है, I1 है, और इस वाले में I2 करंट। तो हम लोगों को यही पता करना है कि अगर दो एलिमेंट R1 और R2 पैरेलल में संयोजित हैं या कनेक्टेड हैं, और उनको कंबाइंड सर्किट को हम लोगों ने अगर कोई करंट सोर्स I से कनेक्ट किया है, तो R1 और R2 में क्रमशः कितनी कितनी करंट जाएगी, ये हम लोगों को पता करना था। तो चलिए, रिजल्ट तुम्हारे पास डायरेक्ट है, मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये रिजल्ट निकालने की, ये I1 I2 निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप सभी लोगों ने नोडल मेथड पढ़ रखा है, और चलिए इस पे नोडल अप्लाई करके देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है। चलिए तो चलिए नोडल स्टार्ट करते हैं, और इस नेटवर्क पे नोडल अप्लाई करने के बाद हम लोग रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि करंट किस प्रकार से डिवाइड हो रही है इन पैरेलल सर्किट। ओके, चलिए तो आप लोगों ने जो नोडल मेथड बड़ी बारीकी से पढ़ रखा है, उसमें हम लोग पहले क्या करते थे, नोड फाइंड आउट करते थे। चलिए मान लीजिए एक नोड ये हो गया, दूसरा वाला नोड ये हो गया, एक नोड को ग्राउंड करना था, मैंने नीचे वाले को ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करते ही इस वाले का पोटेंशियल 0 हो गया, इस वाले का पोटेंशियल नोड को एज्यूम करना है तो मान लेते हैं वी। ओके, चलिए फिर क्या करते थे, करंट ड्रॉ करते थे। तो चलिए इस ब्रांच की करंट मैंने आई मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर दी, क्योंकि जो आई डी थी तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ करी, इसको मैंने आई ही कह दिया। I1 पहले से ड्रॉ है, I2 पहले से ड्रॉ है, बस एक बार केवल चेक करना है कि इस नोड पर सारी धाराएं इनकमिंग या सारी आउटगोइंग ना होने पाए। तो वो भी आपको साफ दिख रहा है कि I तो आ रही है और I1 और I2 इस नोड से दूर जा रही है।
चलिए सत्ताईस सबसे तो सही है। अब क्या करते हैं, धाराओं के हिसाब से प्रतिरोधों पर पूर्णता पात के चिन्ह लगा लेते हैं। चलिए आई वन ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है तो ये हो गया हाई पोटेंशियल पॉइंट, ये हो गया लो पोटेंशियल पॉइंट। आई टू भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है तो ये हो गया हाई पोटेंशियल पॉइंट और ये हो गया लो पोटेंशियल पॉइंट। बिल्कुल सिंपल सी बात, ये हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं कि ग्राउंडेड नोड को छोड़कर बाकी जो बचे नोड्स होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। और केसीएल क्या है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट अ नोड। तो ठीक है, इस नोड के लिए जो केसीएल लिखना नहीं है क्योंकि उसका पोटेंशियल को पहले से बता चल गया, इस नोड के लिए लिखना है तो लिखना क्या है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा है आई और जाने वाली है आई वन और आई टू। तो बहुत ही सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दैट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। और दूसरी बनाने की जरूरत क्योंकि दो ही इफेक्टिव नोड्स हैं और इफेक्टिव नोड्स नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स माइनस वन, जितनी ही इक्वेशन हमें चाहिए होती है इसको नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, टू माइनस वन वन ही इक्वेशन चाहिए होगी, वो भी हम लोगों को मिल गई। अच्छा अब पता चला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हम लोगों का है कि पहले तो वी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी को निकालने और इक्वेशन हमारी जो है वो सब करंट के फॉर्म में है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को वी के रूप में लिख लिया जाए। आपने नोट में पढ़ा था, ऐसा आपने सीखा भी होगा। चलिए तो आई तो करंट गिवन है, ये तो आई ऐसे लिख दी जाएगी। अब बात करती है आई वन की, तो आई वन आप देखो क्या है, आई वन इज वी डिवाइड बाई आर वन। आई वन क्या है, वी डिवाइड बाई आर वन है। और प्लस आई टू क्या है, ये भी वी डिवाइड बाई क्या है, आर टू है। क्लियर। तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हम लोगों को वी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा वी आर टू प्लस वी आर वन डिवाइड बाई आर वन, आर टू इज इक्वल टू आई कह सकते हैं। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ से हम सॉल्व अगर करें तो हम लोग को वी की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी आई इंटू आर वन आर टू डिवाइड बाई आर टू प्लस आर वन, या आप बहुत ही सिंपली इसको और सरल तरीके से अपनी तो याद करने में आसान हो जाए तो I into R1 into R2 divided by R1 plus R2। ये हमारी जो है V की वैल्यू। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारे नोड वोल्टेज की वैल्यू हो गई। अब नोड वोल्टेज की वैल्यू मिलने के बाद आपको पता होगा I1 और I2 कहाँ से निकाल सकते हैं। नोड वोल्टेज की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो हम लोगों को I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। तो आप देखिए, चलिए मैं यहाँ से यहाँ पे कर इस बात को मैं याद रहता हूँ। तो यानी कि I1 I1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी V डिवाइड बाई R1। V की वैल्यू आपको पता है, ये है आई इंटू आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, आपको आई वन निकालने के लिए आर वन से, इस आर वन से ये वाला आर वन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपका जो आई वन होगा वो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस। क्लियर। एक तो ये सोल्यूशन आपको मिल गया, ये हमारा हो गया बहुत सिंपल। ओके चलिए, सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें, जैसे हमने क्या किया, अगर v बाई आर टू में हमने v की वैल्यू दी तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या होगा, r2 कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा i2 इज इक्वल टू i इंटू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी टेक्निक है, बहुत ही उपयोगी एक औजार है, एक इलेक्ट्रिकल टूल है नेटवर्क काम करने के लिए। तो बहुत ध्यान से इसको करिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को याद करना है। याद करना ही बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। जब हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम आई वन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वाले आई से इस वाले आर टू में, यानी
जस्ट पड़ोसी से, अगर हमको आर वन पे करंट निकालनी है तो हम आई में आर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों रेजिस्टेंसेस के सम से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमको आई टू निकालनी हो रही है तो हम आई से आर वन में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और आर वन प्लस आर टू के सम से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा बात है। मैं तो इसको जब बच्चों को सुनाता हूँ क्लास में तो कहता हूँ भाई पड़ोसी का ख्याल रखना, क्लियर। तो अगर आर वन में करंट निकालनी हो तो आपको उसमें इक्वेशन में एलिमेंट में आर टू को लाना है। अगर आर वन में करंट निकालनी है तो क्या करेंगे, आई इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, और अगर आर टू में करंट निकालनी है तो आई इंटू आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस, इट इज वेरी सिंपल, है ना। चलिए तो अब एक एग्जाम्पल से और सीख लेते हैं इस चीज को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं इस काम को। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई करंट सोर्स है, यहाँ कोई करंट सोर्स है जो करीब मान लीजिए कि 10 एम्पियर की है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है जो मान लीजिए हमारा 5 ओम का है, और एक और रेजिस्टेंस है जो सपोज करते हैं कि 10 ओम का है ना। तो 5 ओम और 10 ओम और करंट कितनी आती 10 एम्पियर है। अब इसमें अगर करंट आपकी आई वन है और इसमें करंट आपकी I2 है तो हमको I1 और I2 निकालनी है। तो अभी आपने सब पढ़ा था I1 कैसे निकालेंगे हम लोग, 10 एम्पियर इंटू क्या R1 का पड़ोसी यानी कि R2 यानी 10 इंटू 10 डिवाइड बाई क्या होगा R1 प्लस R2 दैट इज 5 प्लस 10, इट मींस इट इज 100 डिवाइड बाई 15। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, it will be 20/3 amperes, है ना। एक ये बात हो गई। Similarly आप जो है जब I2 निकाल लोगे तो आपको 10 into 5 करना पड़ेगा, है ना। पड़ोसी का ख्याल रख रहे हैं हम लोग, है ना। तो 10 into 5 divide by 5 plus 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये आपका 15 divide by 15 that is 10/3 amperes, clear हो गई। तो इस तरीके से आपने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी इसको कवर कर लिया। आपकी बात जो बताई गई वो आपको अब और समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स आप करके इस चीज को कम्प्लीटली अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो एक बात ये हो गई। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एक इसमें नई चीज और सीखते हैं। चलिए देखिए अभी आपको रिजल्ट्स जो मिले थे वो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने निकाला था कि I1 is equal to था I into R2 divide by R1 plus R2, और आपका I2 था I into R1 divide by R1 plus R2। ये आपके दो रिजल्ट्स थे, है ना, कि करंट डिवाइडर रूल के दो रिजल्ट्स थे। अगर मैं 1 और 2 का रेशियो निकाल लें, इक्वेशन 1 में अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करूं तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1, I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय। यहां से बहुत ही सिंपली हम ये कह सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I करंट क्या है, R का व्युत्क्रमानुपाती है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है, जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर करंट कम होगी, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां पर करंट अधिक हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है। तो आप ध्यान दीजिए I1, चलिए ये बात तो बहुत सिंपल यहां से क्लियर है और हम पहले से भी जानते थे, अभी तो पढ़े लिखे हैं, अभी पढ़े लिखे हैं, चलिए समझते होंगे आप लोग। क्या एक चीज जो आइडिया यहाँ से लग रहा है वो क्या इंपॉर्टेंट आइडिया है, ध्यान दीजिए कि करंट डिवाइडर रूल में समानांतर लगे प्रतिरोधों में जो धाराओं का अनुपात होता है, जो धाराओं का अनुपात होता है वह उनके प्रतिरोधों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा धाराओं का जो अनुपात है वो क्या है, प्रतिरोधों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि I1 by I2 जो है वो R2 by R1 है। तो ये बड़ा ही अच्छा सवाल यहाँ से कहाँ में लोग पूछते हैं कि समानांतर में लगे दो प्रतिरोध
समांतर में लगे दो प्रतिरोधों का अनुपात यदि दो अनुपात में तीन हो तो बताइए उनमें धाराओं का अनुपात कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, तीन अनुपातें। तो अगर प्रतिरोधों का अनुपात, जैसे कुछ किसी ने कह दिया, जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जांपल की बात मान लीजिए कर लेता हूँ, एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर समानांतर में लगे दो प्रतिरोध है ना, पैरेलल पैरेलल कनेक्टेड, पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स है ना, रेजिस्टर्स आर इन रेशियो, आर इन रेशियो 2:3, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस की रेशियो जो है वो 2:3 है, देन रेशियो ऑफ देयर करेंट, सॉरी देयर करेंट विल बी। तो उनमें धाराओं का अनुपात क्या होगा, क्या होगा बेटा, 3:2। क्यों, अभी यहां से सीखा था धाराओं का अनुपात प्रतिरोधों के अनुपात के विद्युतानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक यहां से आपको लॉजिक मिलेगा और यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यानी करंट डिवाइडर रूल से हम लोगों को सीधे सीधे देखा जाए तो दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि करंट डिवाइड हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, वैल्यू निकाल के बताइए, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ने लॉजिकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रतिरोधों का अनुपात दिया हुआ है तो धाराओं का अनुपात कितना होगा, धाराओं का अनुपात दिया हुआ है तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा, तो अगर धारा का रेशियो दिया होगा तो प्रतिरोध का रेशियो आप उल्टा कर दीजिएगा, और प्रतिरोध का रेशियो दिया होगा तो धारा का रेशियो आप जस्ट उसके उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आपके पास ये रिलेशन दिए हुए हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए, एक अभी जो हमने सीखा है, आप देखिए जो एग्जांपल हम कर रहे थे वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। आप देखो यहाँ पर देखो 5 और 10 ओम, 5 और 10 ओम में अगर देखा जाए तो इनका रेशियो कितना है, 5 और 10 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 5:10, यानी क्या हुआ 1:2। तो अगर यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो करंट का रेशियो कैसा होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। आप देखिए है भी है ना, देखिए देखिए ना, ये 20/3 है, ये क्या है 10/3 है, क्या हो गया 2:1 का रेशियो हो गया। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो करंट का रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। तो इट इज वेरी सिंपल रूल है ना। तो मुझे लगता है आपको करंट डिवाइडर की बात फॉर्म में आई होगी, ठीक है। अच्छा चलिए, इसमें एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो बातें तो हमने समझ ली, एक छोटी बात और समझते हैं। अच्छा मान लीजिए कभी कभी ऐसे भी केस आते हैं जब कि भाई चलो ये बताओ यहाँ पे कोई करंट ऐसे आ रही है, मान लो कि ये 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर करंट है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये हमारा मान लेते हैं कि 10 ओम का है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, ये भी मान लेते हैं कि 10 ओम का है। तो कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम लोग को इन दोनों में करंट निकालनी पड़ती है, यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, यहाँ पे कितनी करंट आ रही है, ठीक है। तो ऐसे तो रिलेशंस आपके पास है, ठीक है, तो ठीक है चलिए रिलेशन से निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इसको कहता हूँ कि I1 है, इसको कहता हूँ कि I2 है, तो आप अगर I1 निकालना चाहोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6 × कौन सा 10, अगर इसमें करंट निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10 / 10 + 10 दैट इज 20। तो हो जाएगा आपका 60/20 दैट इज 3 एम्पियर। और सिमिलरली अगर I2 भी आप निकालेंगे तो आएगा 6 × 10, क्योंकि अब जब हम इसमें करंट निकालनी होगी तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 6 × 10/10 + 10 दैट इज 20, अगेन इट इज 60/20 एंड द वैल्यू इज 3 एम्पियर। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि अगर पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स इक्वल होंगे तो उनमें बहने वाली धारा भी
बराबर होगी और एग्जैक्टली आधी हो जाएगी। तो अगर 6 एम्पियर हो या आई एम्पियर हो तो आई बाई टू और आई बाई टू बढ़ जाएगी। और बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी आपने पढ़ा था कि अगर प्रतिरोधों का अनुपात 1/1 हो तो धाराओं का अनुपात क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा। तो उस 1/1 पर तो उल्टा भी 1/1 है, इसीलिए आपने देखा कि प्रतिरोध अगर 10 और 10 1/1 के रेशियो में है तो धाराएं भी 3 और 3 है जो कि 1/1 के रेशियो में है। तो मुझे लगता है कि दिस इज ऑल अबाउट करेंट डिवाइडर रूल, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं एक नए लेक्चर की तरफ। ओके।